नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के केंद्रीय जेल से लाए गए कैदी की संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन काफी गुस्से में, उनका साफ तौर से कहना, कैदी की बीमारी के बारे में हमको नहीं बताया गया, हम चाहते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जिससे हमें पता चल सके किस वजह से हमारे भाई की मौत हुई। हत्या के आरोप में बंद कैदी की बीमारी के बाद संजय गांधी अस्पताल में मौत के बाद परिजनों ने लगाया प्रशासन पर गंभीर आरोप। परिजनों का साफ तौर से कहना, धर्मेंद्र पिता तेज बली उम्र 45 साल जो कि रीवा के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे थे, हम लोग अक्सर मिलने जाया करते थे, बिल्कुल ठीक थे। कभी भी उन्होंने कोई भी शिकायत अपनी बीमारी को लेकर नहीं की, ना ही जेल प्रशासन ने कभी उनके बीमार होने की बात कही। 25 जनवरी को रीवा के सेंट्रल जेल से लाकर उनको संजय गांधी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। हमारे परिवार को बाद में सूचना दी गई, हम लोग आए, डॉक्टरों ने और धर्मेंद्र के साथ आए जेल के सिपाहियों ने गंभीर बीमारी की बात कही। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का साफ तौर से कहना, उनके बेटे बेटियां हैं, शादियां होनी हैं, पहले तो उनको बेवजह झूठे केस में फंसा कर सजा दिला दी गई, आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी मौत कैसे हुई, किस वजह से, उन्हें कौन सी बीमारी थी, हमें डॉक्टरों ने नहीं बताया। हम चाहते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, साथ ही प्रशासन बच्चों के परिवार का कुछ इंतजाम करे। पूरे मामले को लेकर हमने धर्मेंद्र के परिजन से बात की, आइए आपको सुनाते हैं। बताइए जी, क्या हो गया? ये सर, हमारे भाई जेल में थे, हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है। जानकारी मिली कि यहाँ पर आईसीयू वार्ड में रीवा में भर्ती हैं। हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो वेंटिलेटर में थे, वो हमसे कुछ बता नहीं पाए कितने दिन से बीमार थे, उनको क्या बीमारी थी, हमको कुछ जानकारी नहीं दी गई किसी के द्वारा। हम जब आए 25 तारीख को रात में, दिन भर आईसीयू में वो पड़े रहे, बोल चाल नहीं हुई, रात में डॉक्टरों ने और सिपाही जो साथ में थे उन्होंने बताया कि इनको बड़ी बीमारी है, गंभीर बीमारी है, इनको डायलिसिस में ले जाना पड़ेगा, इनको हमें जो प्रक्रिया है वो शासकीय होगी, इसलिए हमारी पूरी जिम्मेवारी नहीं है, इसमें आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, पैसे भी खर्च होंगे। हमने कहा ठीक है, मेरा भाई है, जो भी हमारी क्षमता होगी हम लगाएंगे भाई के लिए। रात में 1 बजे यहाँ पे दवा नहीं उपलब्ध हो पाई तो हम विंध्या हॉस्पिटल गए, वहाँ पे हमने डायलिसिस का सामान लिया, वो उसका पर्ची नीरज सिंह वहाँ सिपाही थे उनके नाम बनवाई गई, हमने अपने बेटे से, मृतक के बेटे सनी सिंह से वहाँ से पैसा मंगवाया, वहाँ पेमेंट किया, उसके बाद आए यहाँ पे, लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा, डॉक्टर कहते रहे कि इनको गंभीर बीमारी है, किसी ने कुछ बताया नहीं। हमने पूछा कि सर ये गंभीर बीमारी अचानक कैसे हो गई, तो वो कुछ नहीं बता पाए। इसके पहले हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि उनको किसी तरह की कोई बीमारी है। हम लोग मिलने जाते थे जब कभी, तो कभी ये इस तरह से नहीं बताया गया कि उनको कोई गंभीर बीमारी है। जिला प्रशासन, जेल प्रशासन जो है हमारे साथ किसी तरह की कोई मदद नहीं करने को तैयार है। तो अब आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई जो, हम भी गरीब है, 4 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चियां हैं, एक की शादी हो गई है और दूसरे की होना है, बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको जो भी जिस विभाग से, हमारे राज्य सरकार से जिससे भी मदद हो सके उनको मदद मिले। किस मामले में बनते? वो गांव में विवाद था और वहां पे उस विवाद में कैसे, किसकी, किसके द्वारा मृत्यु हुई, वहां के विपक्षियों के द्वारा उनको फंसा करके और झूठी गवाही दिलवा करके और उनको सजा पड़वा दी गई थी। हम लोगों ने, किसी ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कानून अपना काम करे, अगर वो कुछ किए हैं तो सजा भुगते। क्या नाम है जो मृतक हैं? मृतक का नाम है धर्मेंद्र सिंह, पिता तेजबली सिंह, ग्राम कुशहा कल्याणपुर। आपको क्या नाम? हमारा नाम है, बड़े भाई उनके, पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।